వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్షాల ఐక్యతతో బీజేపీని ఓడిస్తామని ఇండియా కూటమి ధీమా వ్యక్తం చేసింది. జుడేగా భారత్ జీతేగా ఇండియా నినాదంతో ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలని నిర్ణయించింది. This stage represents 60% of the Indian population. If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. All seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. And I'm confident that the India Alliance will defeat the BJP. तो ये जो है इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है. हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे. देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे. और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा. अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो. तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे. अब कोई ठिकाना नहीं है. चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है. इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना ना पड़ेगा. इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं. और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे. इसके लिए बहुत अच्छा है. किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है. और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं. कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी भ्रष्टाचारी तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा. हम सब एक हैं कि हम सब एकजुट होकर के सभी लोगों को अकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा. और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा. अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे. दिस अलायंस इज बेट, इट इज एक्सपेंडेड. देयर टू मोर पार्टीज दैट हैव जॉइंड एंड वी थिंक दे मोर विल जॉइन एंड वी हैव वर्कड आउट द अंडरस्टैंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द सीट शेयरिंग विल बी डन एट द स्टेट लेवल्स. State level state sharing will all the discussions will take place at